नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल दौरे पर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी पहुंचकर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा से मुलाकात की और वहां पे उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। मोदी लुम्बिनी में सबसे पहले महामाया देवी मंदिर गए। महामाया देवी मंदिर में उन्होंने पूजा की। इस दौरान पीएम देउवा भी उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ लुम्बिनी में द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विकास, पन बिजली और संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, काठमांडू यूनिवर्सिटी और त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में भारत का सहयोग और प्रयास इसके बड़े उदाहरण है। मैं इस क्षेत्र में अपने आपसी सहयोग के विस्तार के लिए और भी कई बड़ी संभावनाएं देखता हूं। हम इन संभावनाओं को और भारत नेपाल के सपनों को साथ मिलकर साकार करेंगे। हमारे सक्षम युवा सफलता के शिखर पर बढ़ते हुए पूरी दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं के संदेश। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे सोमवार को पूरा हो गया। इसकी रिपोर्ट 17 मई यानी मंगलवार तक कोर्ट को सौंपी जानी है। हालांकि इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील ने दावा किया कि मस्जिद परिसर में बने कुएं में शिवलिंग मिला है। मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को नकार दिया है। उधर वाराणसी प्रशासन कोर्ट का हवाला देकर इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए, लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है। उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा, ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी इंशाल्लाह। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। सभी बहुमंजिला भवनों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल की जांच करने के निर्देश दिए। अफसरों को निर्देश दिया, साथ ही अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने को भी कहा। इसके साथ ही टीम 9 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर कहा कि कोविड केस जहां मिल रहे हैं वहां मास्क लगाना अनिवार्य हो, साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य भी कराया जाए, बूस्टर डोज लगाए जाने को और तेजी लाई जाए। सीएम ने प्रशासन और पुलिस के अफसरों को भी निर्देश दिए। पुलिस के अफसरों को जनता से अच्छा समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए, साथ ही अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठने पर भी फटकार लगाई और सुधार करने को कहा। साथ ही लापरवाही होने पर कार्रवाई करने की बात भी कही, साथ ही कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने को भी कहा गया और पुलिस के प्रति आम जनमानस में विश्वास और मजबूत हो इस बात पर ध्यान देने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के विचार संसार को और शांतिपूर्ण, सद्भावपूर्ण और टिकाऊ बना सकते हैं। मोदी ने ट्वीट किया, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को याद करते हैं और उन्हें पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराते हैं। वहीं देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस पर्व पर ट्वीट कर कहा, बुद्ध जयंती के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 2202 नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते दिन 27 लोगों की कोविड से मौत हो गई है, जिसके बाद देश में इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,241 हो गई है। कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,23,801 हो गई है। बता दें कि कुल 4,25,82,243 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी की कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई। गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की MPMLA कोर्ट में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की पेशी हुई, जहां अवधेश राय हत्याकांड के वादी पूर्व विधायक अजय राय भी कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए। वहीं मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। बता दें कि अवधेश राय की हत्या में मुख्तार अंसारी आरोपी हैं। 1996 में कोतवाली गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध एक गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था,
उसके गैंग चार्ट में अन्य मुकदमों के साथ साथ बनारस में जो अवधेश राय की हत्या हुई थी उस हत्या का मुकदमे का भी उल्लेख था। तो इसलिए उस मुकदमे को गैंगस्टर के मुकदमे को बल देने के लिए 302 के मुकदमे के वादी अजय राय आज गवाही के लिए आए थे और अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत थे, इसके बावजूद मुख्य परीक्षा अंकित की गई और अगली तिथि 25/5/2022 नियत की। आज ये गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आज यहाँ पर हमारी गवाही थी, आज माननीय न्यायाधीश ने मेरी गवाही कराई है और निश्चित तौर से हम सब लोग न्यायालय के ऊपर पूरा हम लोगों को भरोसा है कि इसमें न्याय। उत्तर प्रदेश में गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है, सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है। भीषण गर्मी ने लोगों को घरों तक में कैद कर दिया है, बाहर निकलने पर लू का खतरा बरकरार है। आधी मई ने ही लोगों के पसीने ही नहीं आंसू भी निकाल दिए हैं, अभी जून पूरा बाकी है। नोएडा में 15 मई इस सीजन का ही नहीं पिछले 10 सालों का दूसरा सबसे गर्म दिन रहा। कुछ यही स्थिति गाजियाबाद की रही, रविवार को इस सीजन में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। बांदा में तो तमाम रिकॉर्ड टूट गए, वहां पर रविवार को तापमान 49 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। लखनऊ में लोगों को पसीने छुड़ाने वाली गर्मी का एहसास हुआ, तापमान एक बार फिर 44 के पार पहुंच गया है। नोएडा में तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक होकर 45.6 डिग्री दर्ज किया गया। गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने 2 ऐसे शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया जिनकी जीआरपी पुलिस को काफी समय से तलाश थी। दरअसल ये दोनों बदमाश चलती ट्रेन से मोबाइल और लैपटॉप लेकर फरार हो जाते थे और पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी के 3 मोबाइल फोन और 4 लैपटॉप बरामद किए गए। वहीं दोनों आरोपी के ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज है। अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में निरीक्षक जीआरपी गाजियाबाद श्री अनुज मल्लिक को आज बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जब 2 अभियुक्तों को इनके द्वारा रंगे हाथों प्लेटफॉर्म पर पकड़ा गया, जिनके पास से 4 लैपटॉप बरामद हुए हैं और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। एक लैपटॉप 6 माह पहले रेलवे स्टेशन गाजियाबाद से ही चोरी हुआ था, वो इनको बरामद करने में सफलता मिली है। अभियुक्तों का पूर्व आपराधिक इतिहास भी है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इनके पकड़े जाने से निश्चित ही रेलवे में हो रहे लैपटॉप चोरी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में थाना इंचार्ज लोनी और एक सब इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी की मांग को लेकर स्थानीय वकील धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे वकीलों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और दोनों की बर्खास्तगी की मांग की। बता दें कि बीते रविवार से वकीलों को ये धरना लोनी के रामेश्वर पार्क इलाके में स्थित रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर चल रहा है। इन वकीलों का आरोप है कि एक वकील के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर जब 2 वकील थाने पहुंचे तो वहां थाना इंचार्ज अजय चौधरी और एसआई भानु प्रताप ने वकीलों की सुनवाई की जगह पीड़ित वकील की पैरवी कर रहे साथ ही वकीलों के साथ अभद्रता की और गाली गलौज की। इसके बाद से वकील लगातार इन दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समस्या हमारी यही है कि कुछ अधिकारियों पुलिस अधिकारियों ने हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ गलत व्यवहार किया है और हम ये चाहते हैं कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ पर धरने पे ही रहेंगे। किस किस ने मारपीट की है? अजय चौधरी और भानु प्रताप। तो पुलिस में व्यवस्था तो बहुत अच्छी चल रही है? नहीं, पुलिस की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जब वो एक पढ़े लिखे अधिवक्ता साथियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो एक आम जनता के इंसानों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मुरादाबाद में चोरों के हौसले बुलंद है। बता दें कि कुछ दिन पहले एक युवक शादी में शामिल होने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से गया था। उसने अपनी मोटरसाइकिल को एक MS रिजॉर्ट में पार्किंग में खड़ा किया था और शादी में शामिल होने के बाद जैसे ही जब वो बाहर आया तो उसकी बाइक वहां मौजूद नहीं थी। उसने काफी बाइक तलाश की मगर उसका कुछ पता नहीं चल सका। वहीं चोरी की पूरी वारदात रिजॉर्ट में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर मोटरसाइकिल ले जाता हुआ साफ दिख रहा है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया था लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी मनाठेर पुलिस मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई।
आजमगढ़ में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और एसपी सिटी ने बताया कि खाना खाते समय तेजी से बाइक चलाना घटना का कारण बना। निमंत्रण में जहां खाना खाया जा रहा था वहां पर तेजी से बाइक लेकर मृतक पहुंचा, इससे गुस्साए लोगों ने युवक पर हमला कर दिया। इस मामले में 6 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 8-9 बजे फोन से बुलाए के उसके बाद गोली मार दी। कितने गोली मारा आपको जानकारी? पवन कुमार सिंह सनाफ जनार्दन सिंह और सोनू सत्येंद्र सिंह और सोनू सिंह। क्या पुरानी रंजिश चल रही थी उनसे? कुछ पुरानी रंजिश कुछ नहीं है, वो कोटा कोटी का था, उसके बाद उसमें वो वही कुल मेटल लेकर अपना काम कर। रात्रि लगभग 9:45 बजे ग्राम भदौरा थाना अतरौलिया में मोहल्ले के लड़कों में आपस में कहा सुनी होने के उपरांत गुडलक सिंह नामक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई। तात्कालिक कारण खाना खाने के स्थान पर तेजी से मोटरसाइकिल ले जाने के उपरांत उत्पन्न विवाद बताया गया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर कलयुग की बहू ने सास और नंद के साथ जमकर मारपीट की, जिससे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें बहू नंद को पीटती हुई नजर आ रही है। नंद अब बुजुर्ग सास के चोटें आई हैं। वहीं पीड़ित का आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी थाना अध्यक्ष ने कोई कार्यवाही नहीं की है। साथ ही मामले को लेकर बुजुर्ग बेटियों के साथ एसएसपी कलानिधि नैथानी के कार्यालय पहुंची, हालांकि पीड़ित की एसएसपी से मुलाकात नहीं हो सकी। हुआ है 2 साल से केस चल रहा है, पापा को जून में 2 साल हो जाएंगे एक्सपायर हुए 2 साल। मतलब ये क्या करते हैं, हमारी भाभी जो है जब भी कुछ होता है तो अपने मायके वालों को बुला लेती हैं, मतलब और उनके मायके वाले एक दो नहीं आते हैं। इनका भाई अजय सबसे ज़्यादा वो हमारे साथ बदतमीजी करता है, अजय जो नाम है उसका, और प्रशांत अंडौली में रहती है, ये अंडौली हसैन की रहने वाली है। जब भी कुछ होता है अपने तुरंत मायके वालों को बुला लेती है, उनके साथ हमारे साथ मारपीट करवाती है, हमारे घर से बाहर निकलवा दिया, हम पुलिस के पास गए, पुलिस में हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। आज घटना ये हुई थी, मैं फ्रिज में पानी लेने जा रही थी, मैंने पानी पी लूँ, मैं दवा खाऊंगी, तो कह रही ए मैंने कहा पानी को मना किया, पानी ले लो पहले पैसे, बोली मुझसे ए मैं पानी लेने चली सोई, मतलब मुझे पकड़ लिया सोई, मेरे दबोच लिया मुझे, तो कह रही मैं तो पानी का मना करती हूँ और पानी लेना भी नहीं देती और मना भी करती नहीं है। जो आपके साथ मारपीट की है बहू है, सुनवाई नहीं करती है, पुलिस सुनवाई नहीं करती है। बेटा क्या कहता है? बेटा कहता हूँ प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।